हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक, शोभाज फ्रेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चलिए मैंगो का आम का आइसक्रीम बनाते हैं। घर में होममेड आइसक्रीम हम बनाते हैं। तो चलिए मैंगो को अच्छी तरह से हम धो लिए हैं, धो के फिर बारीक बारीक काट लिए हैं इसको। और ये क्रीम है, ये हम घर में ही बनाए हैं क्रीम। ये देखिए इस तरह से बनाइए, और ये हम आपको रेसिपी बताएंगे एक दिन कैसे बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। ये 5 मिनट में 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। चलिए आम को हम मिक्सर जार में डाल देंगे, और ये चीनी है। बस 3 ही सामग्री से ये आइसक्रीम बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी में इसको पीस लेंगे, एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये पिस गया है। अब हम ये इसमें पलट लेंगे। अगर आपको छानना है तो छान लीजिए, क्योंकि मेरा एकदम बारीक पिसाया है, छानने की ज़रूरत है नहीं। बहुत बारीक पिसाया, पेस्ट बहुत अच्छा से हुआ है। और होममेड आइसक्रीम बनाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अब चलिए हम इसी बर्तन में हम क्रीम बनाए थे तो हम इसी बर्तन में मिला लेते हैं। इससे भी क्रीम हम डाल देते हैं। अब हम इससे मिला लेते हैं। पूरी तरह से अच्छे से मिल जाए। देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है एकदम। अब मेरे पास ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसी में हम बनाएंगे। अब इसको आप फ्रिज में 7-8 घंटे के लिए इसको ढक के 7-8 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, जमा दें। और एकदम एयर पैक कोई भी डब्बा लें तो एयर पैक लें, उसमें हवा ना जाए, नहीं तो हवा जाएगा तो बर्फ का क्रिस्टल बन जाएगा ऊपर से आइसक्रीम में। इसलिए इस तरफ से बनाएं और इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तुरंत नहीं निकालें, 7-8 घंटे बाद ही निकालें फ्रिज से। चलिए इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इस घर के होममेड सारे सामग्री होममेड ही है, घर का क्रीम भी घर का ही है। तो आप ये रेसिपी बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।